अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भारत के राजदूत जो अमेरिका में है एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू जुड़ रहे हैं आज तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब। पहला सवाल पूछेंगे वैक्सीन को लेकर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो भारत को आज जरूरत है वो वैक्सीन की है। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत भारत को वैक्सीन भेजने वाला है, लेकिन कितने वैक्सीन भारत को मिलेंगे उस पूरे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में? देखिए, यूएस ने अनाउंसमेंट करी है कि ग्लोबल एलोकेशन प्लान ऑफ वैक्सीन में इनिशियली 25 मिलियन वैक्सीन डोजेस अलॉट होंगे और हिंदुस्तान को दोनों पल्लुओं से, दैट इज कोवैक्स के थ्रू और जो यूएस के नेबर्स और पार्टनर कंट्रीज के लिए एयरमार्क हैं। प्रेसिडेंट बाइडन ने 4 देशों का नाम लिया था जिसमें कोरिया, कनाडा, मेक्सिको और भारत का नाम है। एग्जैक्ट नंबर जो एलोकेशन की है डिफरेंट पार्टनर कंट्रीज की, वो भी वर्कआउट हो रही है। इसमें ये भी बता सकता हूं कि 7 मिलियन डोजेज एशिया के लिए है कोवैक्स के अंदर और 6 मिलियन नेबर्स और पार्टनर्स के अंदर, इन दोनों में भारत को मिलेगा। तीसरा अभी बहुत ही कल परसों ही आपने अनाउंसमेंट सुनी है प्रेसिडेंट बाइडेन की कि 500,000 फाइजर वैक्सीन की डोजेज अलॉट करी जाएंगी काफी देशों को अगस्त 2021 के लिए, उसमें भारत भी इंक्लूडेड है। और ये जो डोजेज हैं 300 मिलियन ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में होंगी और 200 मिलियन डोजेज एंड ऑफ द ईयर तक। तो भारत इन सब में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका नाम है। सो आपको ये भी मालूम है कि भारत में भी जो अमेरिकन वैक्सीन है उसके बारे में फाइनल अप्रूवल अथॉरिटीज अंडर प्रोसेस है। एम्बेसडर साहब, दो और सवाल पूछूंगी, एक एस्ट्राजेनेका को लेकर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। एस्ट्राजेनेका को परमिशन मिल गया है, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए क्योंकि भारत को जरूरत थी। लेकिन उसी में आप देखें कोवैक्सीन के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं हमारे पास, क्या कोवैक्सीन को इससे कोई फायदा है क्योंकि EUA का जो अप्रूवल है वो उन्हें नहीं मिला? देखिए, जो सप्लाई चेन वाला क्वेश्चन आपने किया है डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के बारे में, जैसे जैसे हमारे को कंपनीज ने, इंडियन कंपनीज ने बताया कि उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, इमीडिएटली हमने यूएस अथॉरिटीज के साथ ऊपर से लेके जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके साथ बात की और उसके बाद यूएस ने ये डिसीजन लिया है कि वो जो डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है उसको विड्रॉ करा गया जिसमें एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स को फायदा हुआ है। जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वेदर कोवैक्सीन की हैं या बाकी सप्लाई चेन्स की हैं, जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम इमीडिएटली यूएस अथॉरिटीज के साथ बात करेंगे। आपको ये मालूम है कि यूएस अथॉरिटीज ने एस्ट्राजेनेका के इशू पे जो भी कोटा उनके लिए खुद था वो उन्होंने भारत को दिया था। सिमिलरली जब भी भारत बायोटेक का हमारे पास डिटेल्स आएंगी हम इमीडिएटली उनको यूएस अथॉरिटीज को देंगे एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। आपका एक सवाल था रिगार्डिंग अप्रूवल। देखिए, इसमें जो फैक्ट्स हैं उसको जानना बड़ा जरूरी है। पहली बात यह है कि भारत बायोटेक ने FDA की इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अभी फाइल नहीं करी थी, वो सिर्फ नेगोशिएशंस में थे उनके साथ। यहाँ पे क्योंकि सिचुएशन बेहतर हो गई है सारी कंपनीज ने अब रेगुलर फाइलिंग की और यही एडवाइस FDA ने भारत बायोटेक और उनके जो यहाँ पार्टनर है ऑक्यूजिन उनको दी है कि आप रेगुलर फाइलिंग करिए और उसके बारे में प्रोसेस शुरू है। और लास्टली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोवैक्सीन इंडिया में है इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जिसके बारे में टेस्ट इंडिया में करे जा रहे हैं। एक
कि ये बच्चों में भी अप्लाई हो सकता है, दूसरा जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, पर्टिकुलरली डेल्टा वेरिएंट है, उसके अगेंस्ट ये काम करता है। एक टाइम जब भी उसके फैक्ट्स ऑक्सीजन को यहाँ मिलेंगे वो एफडीए के साथ शेयर करेंगे, और ये एक कोवैक्सीन के लिए बहुत बड़ा शॉट इन द आर्म होगा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल हेल्थ वैक्सीन अपॉर्चुनिटीज के। आखिरी सवाल अम्बेसडर से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे राजदूत हैं अम्बेसडर तरनजीत सिंह संधु बहुत ही ओल्ड हैंड है, अमेरिका के बारे में जानते हैं, बहुत सारे पोस्टिंग्स हुए हैं उनके अमेरिका के, तो इसलिए जो आप एंगेजमेंट्स देखते हैं, जिस तरीके के एंगेजमेंट्स हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच, वो इसलिए भी है क्योंकि काफी सारे ऐसे सेनेटर्स कांग्रेसमैन हैं जिनके साथ इनके रिश्ते काफी पुराने हैं, काफी एंगेज रहते हैं। तो अम्बेसडर संधु आपसे आखिरी सवाल, बहुत सारे हाई लेवल एंगेजमेंट्स देखे हैं हमने, चाहे वो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के जो रीसेंट कॉन्वर्सेशन हुए हैं या फिर हमारे विदेश मंत्री के उनके काउंटर पार्ट्स के साथ, काफी सारे कॉन्वर्सेशंस में इनविटेशंस एक्सटेंड किए गए हैं, जानना ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका कब जाएं। देखिए आपने सही कहा है, 100 days ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बारी प्रेसिडेंट बाइडेन से बात करी है, 2 बारी समिट में पार्टिसिपेट किया है, क्वाड वर्चुअल लीडर समिट में और क्लाइमेट चेंज समिट में। आपने जैसे बताया विदेश मंत्री जी की यात्रा यहाँ हुई और सारे की इंटरलोक्यूटर से उन्होंने बात करी। भारत में डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन जो यहाँ के बहुत सीनियर मंत्री हैं उन्होंने विजिट किया, स्पेशल एनवॉय कैरी ने विजिट किया, देन ऑफ कोर्स हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर्स की बातचीत हुई, एनएसए की अपने काउंटर पार्ट से बात हुई। जो आपने पूछा, जब क्वाड वर्चुअल लीडर्स समिट मार्च में पहली बार हुई थी तो उसमें एक डिसीजन लिया गया था कि एक इन पर्सन समिट होगी एंड ऑफ 2021 में, जो यहाँ फॉल 2021 में कहा जाता है, और उसके लिए अभी डिटेल्स वर्कआउट हो रही हैं, हेल्थ परमिटिंग एंड सिचुएशन परमिटिंग वो समिट मोस्ट लाइकली यूनाइटेड स्टेट्स में होगी और उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा अभी डिटेल्स वर्कआउट नहीं हुए हैं। सेकेंड आपने पूछा था प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी वार्म और प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के साथ हुई कुछ हफ्ते पहले, और उसमें उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट हैरिस को इंडिया विजिट करने के लिए इनवाइट किया और वाइस प्रेसिडेंट हैरिस ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो विजिट तब होगी जब ग्लोबल हेल्थ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए।